टैंक भरिए तो क्या करेंगे टैंक से? आगे तो खड़े हो जाओ बैठ दो। यूक्रेन वालों को तो पोलैंड वालों ने शरण को दे दी है, अपने तो इधर तो ये पाकिस्तान है, ऊपर चाइना है, इधर अपन को तो शरण ही कौन देगा? घर वालों के पैसे खराब करके हम शहर के अंदर पढ़ाई करने जाए, डेढ़ साल कंटिन्यू पढ़ाई करते, पहले रनिंग के लिए दो साल खपे, रनिंग क्लियर होने के बाद में मेडिकल किया, सब कुछ हुआ, फिर एग्जाम के लिए तैयारी की, अब वो नहीं करा रहे क्या करेंगे हम, बैठे रहेंगे क्या? आर्मी नेवी के डबल ASSR की वो क्यों रुक रही है, उसमें क्या दिक्कत हो? उन्हीं के लिए कोरोना है क्या? ऑफिसर रैंक वालों के लिए कोरोना नहीं है? मैं यही पूछना चाहता हूँ, और अगर ये बात संसद में उठती राजनाथ सिंह जी सीधे कोरोना का भारण देते हैं हमारे मुंह में, जवाब क्लियर दीजिए ना, कोरोना उनके लिए नहीं है क्या? हाल में मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर में, यहाँ आप देख सकते हैं काफी भारी मात्रा में स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे, मैं हूँ आपके साथ सुनीता तिवारी। यहाँ के स्टूडेंट से पूछते हैं क्या उनको परेशानी है। वैसे यहाँ के लोगों का कहना है कि वो आर्मी और एयरफोर्स की भर्ती के लिए आई है, तो आइए उनसे पूछते हैं किस तरह की उन्हें परेशानियाँ हो रही है। आपका नाम क्या कुछ है, किस तरह का धरने लगकर आप यहाँ बैठे हुए? ये जो धरना है तो आम धरना नहीं है, बहुत बड़ा प्रदर्शन है, तो ऑल इंडिया से यहाँ पर पहुँचे हैं, मेन जो आर्मी डिफेंस लाइन की तैयारी कर रहे हैं वो बंदे यहाँ पे पहुँचे हैं, बहुत बड़ी दूर से दो तीन रात से ट्रेन में चल रहे हैं, तो परेशान होकर के और इस धरने स्थल पर पहुँचे हैं। नागौर आस्थान से, राजेश बेनीवाल नाम है मेरा, नागौर आस्थान से। क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत मैम बहुत बड़ी दिक्कत है, दो मैंने ना एक साल पहले हमारे उदयपुर है राजस्थान में, वहाँ पे आर्मी की भर्ती हुई थी, मैंने वहाँ पे सुपर एक्सीडेंट मारा था, मेडिकल फील्ड हुआ, NCC सर्टिफिकेट था, आर्मी में मेरी नौकरी लगी, लेकिन उसके बाद जो आज एक साल हो गया है, वो जो एग्ज़ाम की जो प्रक्रिया होती है, एग्ज़ाम नहीं करवा रही है सरकार, और दो साल से नहीं आ रही है पूरे इंडिया के अंदर, इसमें और एज हो रहे बंदे हमारे जो जिंदगी की एज होती है 21 साल, आप 21 साल से जो ऊपर हो गए उनका तो भारतीय सेना में जो सपना है जाने का वो सपना ही टूट रहा है, बहुत बड़ी दिक्कत है। अब केंद्र सरकार अगर इसके बारे में नहीं सोच रही है तो केंद्र सरकार को खुद में थोड़ी शर्म करनी चाहिए, जो मेहनत करते हैं पसीना बहाते हैं, किसान और जवान के साथ खिलवाड़ करना एक बहुत ही बड़ा अपने खुद के प्रति खिलवाड़ करना है, इसमें जवान और किसान के प्रति जो खिलवाड़ करता है वो हमेशा ही दुख पाया है और दुख पाते रहेगा। महाराजा सूरजमल ने दिल्ली के गेट उखाड़े थे, किसान और जवान के साथ जिसने भी अन्याय करने की सोची है वो खुद मिट्टी में मिल गया है, और आगे आने वाले समय में अगर लोगों की मांग को अगर सही नहीं समझा गया, अगर इस तरह पर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया, तो आने वाले समय में आप इसका क्या फल असर देख सकते हैं। मैं बताता हूँ, वजह यह है कि इंडिया के अंदर आर्म फोर्सेस 13 लाख अभी भी जो बाहर के चलते हैं ना, उसके अंदर 1 लाख पद खाली पड़े हैं, अभी भी करंट के अंदर 1 लाख लोग कोरोना काल में रिटायर हो गए थे, लेकिन वो पद अभी भी ये सोच रहे हैं कि अपन तकनीकी काम करेंगे, तकनीक से कुछ नहीं होगा, जब जवान ही नहीं होंगे वहाँ पे तो तकनीक काम करने वाला होगा कौन? अभी भी आपने तब तक तो उम्र हमारी चली जाएगी, फिर कौन जाएगा? अभी आपको पता है अब यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, है ना, रूस है तो बहुत बड़ी महाशक्ति है, रूस के जो सेना है वो सबसे बड़ी सेना है, और एक छोटा सा देश है यूक्रेन, अब दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है, तो आप देख सकते हैं अभी न्यूज में आपने देखा था कि इस युद्ध के चलते रूस सेना को 1 लाख पदों पर भर्ती करनी पड़ी अपने जवानों को इस युद्ध के लिए, तो फिर भारत देश के लिए अगर कल का युद्ध हो गया, अगर सेना नहीं हुई तो टेक्निकल से क्या घंटा करेंगे, टेक्निकल से क्या टैंक भरिए तो क्या करेंगे टैंक से? अभी तो ये सोच रहे हैं कि 3 फौजी खड़े हैं, इनमें से 2 फौजी खड़े हैं तो भी काम चल रहा है, लेकिन जब युद्ध शुरू हो गया तब तो 3 बंदे काम आएंगे ना, वो 2 बंदे कैसे काम आएंगे? अभी ये पैसे बचाने के चक्कर में जो GDP है उसको ऊंचा लाने के लिए आप देख रहे हैं जगह जगह निजीकरण कर रहे हैं, हर रेलवे का पूरा निजीकरण हो गया, पूरी वैकेंसी खत्म हो गई है, तो ये बहुत बड़ा अपना आप एक मुद्दा है। अरे यूक्रेन वालों को तो पोलैंड वालों ने शरण को दे दी है, अपने तो इधर तो ये पाकिस्तान है, ऊपर चाइना है, इधर अपन को तो शरण ही कौन देगा? उनको शरण तो मिल गई ना यूक्रेन वालों को। इस प्रदर्शन से यही है कि जिन बच्चों की अभी भी राजस्थान में जो उदयपुर AR कम से कम 6 या 7 AR की जो पिछले 25 मार्च को एग्जाम थी वो अभी तक 1.5 साल, अब आर्मी वाला बच्चा कितना बढ़ेगा, उसको तो पहले तो गोडे किस लिए उसने? और कुछ नहीं, हर महीने एग्जाम दे देते हैं आगे बढ़ा दें, हर महीने देते हैं आगे बढ़ा दें। अब आप बताइए 24 तारीख 25 तारीख को एग्जाम है, आपको 24 तारीख का पोस्टपोन हो गया एग्जाम, आप पर क्या बीतेगी?
खुश भी थे कि घर वालों के पैसे खराब करके हम शहर के अंदर पढ़ाई करने जाए, डेढ़ साल कंटिन्यू पढ़ाई करते। पहले रनिंग के लिए 2 साल खपे, रनिंग क्लियर होने के बाद मेडिकल किया, सब कुछ हुआ, फिर एग्जाम के लिए तैयारी की। अब वो नहीं कराए क्या करेंगे हम, बैठे रहेंगे क्या? अब लास्ट तारीख कौन सी दी गई? जो ये लास्ट नवंबर में दी थी, अभी अभी जो टेक्निकल अजमेर में भर्ती हुई थी उसमें 25 नवंबर दी थी, 27 मार्च, फिर आगे 27 फरवरी, ऐसे ऐसे करते उन्होंने देते गए, हर महीने डेट बढ़ाते, इस बार होगी, इस बार होगी, ऐसे बरोबर पहन के बैठे कोशिंग वाले, इस बार होगी, आप ऐसे बन रही ऐसे बन रही। फिर हमने न्यूज़ पर, मैं ये यार जो न्यूज़ चल रहा है इस पर सबसे ज़्यादा मैं गुस्सा हूँ, क्योंकि हमारी मांगे पहले उठाई नहीं, हमने चैनल पर हमको प्रोटेस्ट करने नहीं दिया कि कोरोना चल रहा, कोरोना चल रहा, हमने ऑनलाइन प्रोटेस्ट किया इससे पहले भी कई बार आवाज उठाई जा चुकी है, 2 बार तो नंबर 1 ट्रेंडिंग करवाया ट्वीट में कि हमारी सेना भर्ती को कंटिन्यू किया जाए ना, बीच में रोका जाए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर कमीशन रैंक, जो रैंक ऑफिसर रैंक की जितनी भी वैकेंसी निकलती है वो क्यों लगातार कंटिन्यू, वो तो पूरी हो रही है, लेकिन नॉन कमीशन रैंक जैसे जीडी, एएमएन, आर्मी नेवी के, SSR की, वो क्यों रुक रही है? उसमें क्या दिक्कत है? उन्हीं के लिए कोरोना है क्या? ऑफिसर रैंक वालों के लिए कोरोना ही है? मैं यही पूछना चाहता हूँ। और अगर ये बात संसद में उठती, राजनाथ सिंह जी सीधे कोरोना का बहाना देते हैं हमारे मुंह, दवा क्लियर दीजिए ना, कोरोना उनके लिए नहीं है क्या? अब मान लीजिए आप यूपी है, 23 करोड़ आबादी का देश है, उसका रिजल्ट 1 हफ्ते में आ जाता है इलेक्शन का, लेकिन हमारे 9 महीने हो गए तब से कोई वैकेंसी का रिजल्ट नहीं, मात्र 15 लाख। आपको लगता है जवानों की भर्ती हो रही, उसी में सारी दिक्कतें आ रही है? हाँ, सारे उसी में। जो राजनीति के अंदर जो नेता बैठे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि आप एक बार चुनाव की डेट तय कीजिए, बहुत सारा प्रचार कीजिए, पैसे खर्च कीजिए, जैसे जिस पहले दिन चुनाव और दूसरे दिन के दिन 1 महीना चुनाव आगे क्या बीतेगी उन पे, क्या बीतेगी? वैसे ही वैसे बेचारे युवाओं पे बीतते हैं, कोचिंग होंगे, डिफेंसों की फीस भरते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, एग्जाम होने के बाद नहीं देंगे, पर जैसे ही 1-1.5 घंटे रहते हैं एग्जाम पोस्टपोन क्यों नहीं हो रहा है? राजस्थान में आप देखा, देख लीजिए, रीट 30,000, पटवार, RSIS सारी वैकेंसियाँ हो गई है, पर आर्मी में सिर्फ 3,000 बंदे हैं जो रात को 12 बजे एंट्री करते हैं, 10 बजे फ्री हो जाते हैं, उनमें कोरोना आ गया। यूपी में कोरोना हुई, उनमें कोरोना नहीं था, सेना भर्ती में कोरोना आ गया। तो हमारी मांग ये है, हमसे बाड़मेर से दिल्ली 800 किलोमीटर करके आए, तो हमारा पाकिस्तान नजदीक पड़ता है, और सबसे बड़ी देशभक्ति की वहाँ देखा जाए तो राजस्थान में कार्यक्रम हुआ, आर्मी के अंदर सबसे ज्यादा राजस्थान के बंदे मिलेंगे आपको, और वो भी जिसमें मेरे नजदीक पाकिस्तान में। अब ये बताओ, कोरोना एयर फोर्स का एग्जाम को रिजल्ट लाने में कोरोना आ रहा ना, 20 में आता था कोरोना रिजल्ट लाने में, हमारे तो एक ही मांग है, हमें भले ही साल भर बाद दे, एक डेट दे, हमारे डेट दे, तारीख चाहिए, तारीख चाहिए, नौकरी के टाइम को एग्जाम हो जाएगा इस टाइम को, हमारी मांग है पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हम अपना हक मांग रहे हैं, सूट नहीं मांगते, हम अपना हक मांग रहे हैं। मैम, सबसे बड़ी बात है कि लोगों को ये राशन फ्री देके बेवकूफ बनाना छोड़िए, और रोजगार देने पे ज्यादा कंसंट्रेशन करना चाहिए, तो यही मैं कहना चाहूंगा, और सरकार आगे कुछ करे तो बेहतर है, क्योंकि इससे काम नहीं चलेगा, और क्या पता आगे सरकार। मैडम, 3 साल मिलता हमको, 3 साल ही मिलते हैं, 17.5 से लगा से 21 तक, अगर इसमें हम भर्ती हो गए तो अच्छा है, नहीं तो आर्मी के अंदर कुछ जाएगा, ट्रेड में जाएगा, और ट्रेड में कुछ जिसका सपना जाना होता है, बॉर्डर पर जाना होता है, वो 3 साल मौका मिलता है, इसमें हमको एक मौका मिला है, एक मौके में एग्जाम नहीं कराया, आपकी उम्र आउट हो गई, आर्मी कमजोर हो गई तो देश कमजोर, समझ लेना, आर्मी जिस दिन बिक गई तो समझना मीडिया बिकता है, इसी तरह पूरा देश बिक जाएगा, देश बिक जाएगा। मैडम, अगर 1 साल पहले हमने यूट्यूब खोल लिया होता तो आज हम इस सड़कों पर नहीं होते। एक घंटे का वो कभी मतलब जल्दी आते हैं मेट्रो में, ट्रेन में, किसी के मास्क नहीं लगा, ठीक है। अगर जब बात आती है आर्मी के एग्ज़ाम की, ठीक है, 1.5 साल हो गया, नहीं मेडिकल हो गया, फिजिकल हो गया, सब कुछ हो गया, और जब भी डेट आती है तो कैंसिल कर दी जाती है। हम पंजाब से आए हैं, हमारा 3 बार रिजेक्ट हो गया। कितना टाइम हो गया? 1.5 साल, 1.5 साल हो गया आप आर्मी मेडिकल और फिजिकल भी हुए। यहाँ पे एक सीमा भी है, एज भी आती है। यस मैम, एज सीमा है, 3 साल मिलती है मैम, 18 साल, 1 साल में एक भर्ती देखने आती है, हमारी 21 साल उम्र हो सकती है, अगर एग्जाम नहीं हुआ तो हमारी अगली भर्ती कैसे जाएगी, हम अगली भर्ती में कैसे भरेंगे, उसमें 2 साल की छूट देनी चाहिए सरकार को।
उसमें ये भरोसा थोड़ी हम खट हो जाएंगे। अब जो ज्वाइन कर चुके हैं जो पहले से जिन्होंने 15 साल सर्विस की रिटायरमेंट लेना उनके लिए एप्लीकेशन दी जाती है, पहले वो 1.5% लगभग एप्लीकेशन दी जाती थी लेकिन अब वो घट के लगभग 0.8 आ गई है, जिसका मतलब कि वहाँ से भी उन्हें निकलने नहीं दिया जा रहा, वो आना चाह रहे हैं लेकिन और यहाँ से जो जाना चाह रहे हैं उन्हें भर्ती नहीं किया जा रहा, तो ये ऐसा क्यों है देश की जाए इसका भी पूरा जवाब मेरे को चाहिए, मतलब जानना चाहता हूँ। जो अपनी जगह पे है वो जा नहीं रहे, yes, जो आना चाहते हैं उनको आने नहीं दे रहे मैम, क्योंकि 15 साल के बाद सबकी पेंशन कंफर्म हो जाती है तो वो आना चाह रहे हैं छोड़ के, जाने नहीं जा रहा और आने चाह रहे उन्हें आने दिया, क्यों हो रहा है ऐसा? वो भर्ती लिया नहीं जा रहा है, इसका क्या कारण है? ये भर्ती लेना चाहिए मैम। हमारे यूथ स्टार्टअप में राजस्थान के बाहर में चले सहयोग करता हूँ, मैं यहाँ मेरी माँ को लेकर आया हूँ, हमारा एग्जाम आज 8 से 1.5 साल पहले हमारी भर्ती हो गई उदयपुर के अंदर, हमारा एग्जाम बाकी अभी तक एग्जाम नहीं हो रहा, कम से कम 7-8 बार एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया, कोरोना की स्थिति बता रही, कोरोना की स्थिति बिल्कुल ठीक है, केवल चुनाव रैलियाँ वगैरह सब हो रहा है, SSGD जैसे बड़े बड़े एग्जाम भी हो रहा है, उसमें मात्र 300 से 3500 स्टूडेंट थे फिर भी हमारा एग्जाम नहीं करा, सरकार बता रही कोरोना का बहाना, और हमारी दूसरी मांग है कि हमारे जो 2-2.5 साल से भर्तियाँ नहीं हो रहा उनको उम्र छूट जाए, जहाँ भर्तियाँ नहीं है उनको वहाँ जल्दी जल्दी भर्तियाँ कराया जाए और हमारा एग्जाम बाकी एग्जाम कराया जाए, ये हमारा सरकार से मांग। आपका ही कहना है जब आपकी बारी आती तो कोरोना आ जाए। हाँ हमारे जब बीजेपी कोरोना आई इसकी एग्जाम की बात करते तो बहुत प्रकार के कोरोना की स्थिति बता दी, कोई गिरा आप बहुत लंबा दंगा चलेगा, जब तक हम लोग मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ सारे लोग रहेंगे, हमारी मांग जब पूरी हो जाएगी उसके बाद यहाँ रोड पर जाने वाले हैं हम, सारे लीगल तरीके देख लिए, कोर्ट केस भी करके देख लिया है, कई किसानों ने कोर्ट केस भी किया, अंधेरी की देखो एयरपोर्ट वगैरह की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती, उसका जवाब भी नहीं मिलता, उसी देखा जाता है कि मामला नहीं करता है, जवाब नहीं आएगा। एक साल से एयरफोर्स के ऑफिशियल साइट पर ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन दिया जा रहा है, ना इनरोलमेंट जारी किया जा रहा है, ना एयरफोर्स का रिजल्ट जारी किया जा रहा है, 2 साल हो गए इनरोलमेंट अभी मेरा नहीं हुआ, मेरे तरह 56 लड़के अभी बैठे हुए हैं घर पे, सब कुछ हो गया, मेडिकल हो गया, फिजिकल हो गया, ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं 2 साल से, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन उनके ऑफिशियल साइट पर दिया जा रहा है, पता नहीं कब आएगा इन लोगों का रिजल्ट, मतलब आपका एनरोलमेंट ही नहीं हुआ, सब कुछ हो गया, कंप्लीट प्रोसेस है, सिर्फ ज्वाइनिंग का इंतजार किया जा रहा है और ऑफिशियल साइट पर ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन दिया जा रहा है बार बार, ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी है, सिर्फ डेट को अपडेट करके ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन दे रहे हैं एयरफोर्स के ऑफिसर साइड पे। सबसे पहले तो मैं आपका चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपको नमस्कार, मेरा नाम विनोद कुमार गुप्ता, विनोद कुमार जी क्या कुछ मांगे हैं? यहाँ पे मांगे हैं मैडम कि ऐसा है कि जो आर्मी का जो सी एग्जाम है वो अभी जो लड़का बाकी है उसका कराने के लिए जल्द से जल्द, और दूसरा है कि आर्मी का भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द हो, और तीसरा है उम्र में जो भी 2 साल से नहीं हुआ उनमें छूट दिया जाए। चाहिए जी जी जी। अभी पे सीमा क्या है? अभी तो 21 होता है, अगर टेक्निकल GD में एमए में जाता है तो 23 तक होता है, 23। एग्जाम की प्रक्रिया जो कि 2 साल से टाली जा रही है, यहाँ पे लोगों से बात हुई तो उनका यही कहना जी जी यही है, मतलब 2 साल से टाली जा रही है, पहले कोरोना है अब तो कोरोना हो गया, अभी चुनाव भी हुआ है, सब कुछ हो रहा है, बाकी रेलवे का भी परीक्षा हुआ, इसका बोर्ड का भी हाई स्कूल का हो रहा है, इंटर हो रहा है, आर्मी का सी एग्जाम क्यों रुका है? आर्मी का एग्जाम जी जी आर्मी का ही सी एग्जाम और भर्ती प्रक्रिया दोनों रुका है। तो क्या कुछ सरकार की तरफ से आश्वासन मिला है? अभी तो हर जगह जंतर मंतर पर हम लोग दूर दूर से आए हैं, हम उत्तर प्रदेश से, कोई बिहार से, कोई राजस्थान से, कोई गुजरात से यहाँ पे आया है, लेकिन यहाँ से ज्ञापन दिया गया है, अब देखते हैं क्या सुनवाई है। अभी इससे पहले संसद में तो चला था लेकिन हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा होगा लेकिन कब डेट निकाला जाए, कोई ओवर एज भी हो रहा है, कोई मतलब बेरोजगार पड़ा है, तो ये सोच रहा है कि अगर होगा तो अगर उसका समय निर्धारित कर ताकि उसको आगे अगर नहीं होगा तो भी अगर कह देते कि नहीं होगा तो अगला अपना रोजगार करता या प्राइवेट नौकरियाँ करता, इसी में आस में लगा हुआ है। आर्मी और नेवी में 2 साल से देरी हो रही है कि यहाँ पे एग्जाम नहीं हो रहे हैं, उनकी नियुक्ति नहीं हो रही, तो यही देखना है कि इनके धरने का क्या कुछ होता है, सरकार में प्रशासन पे कुछ असर पड़ने वाला है। कैमरा पर्सन अर्पित के साथ सुनीता तिवारी, नजर टुडे, दिल्ली।